नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और वक्त हो चला है कालका से संभाल खा का। और इसी बीच बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है, जहां राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है। बताते चले कि कल हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें राजभवन में इसमें शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसी के साथ ही बताते चले आपको कि शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, राजभवन में इसका शपथ ग्रहण समारोह होगा। जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम सामने आ रहा है, वहीं कमल गुप्ता को भी इसमें जगह मिल सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां हिसार से बीजेपी चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कल होगा हरियाणा कैबिनेट का विस्तार, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम आया सामने और कमल गुप्ता को भी मिल सकती है जगह। हिसार से बीजेपी के विधायक है कमल गुप्ता, जिनके नाम पर मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चंडीगढ़ से कल हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसी के साथ ही आपको बताते चले कि शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और जेजेपी से जहां देवेंद्र बबली का नाम सामने आ रहा है, वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी से कमल गुप्ता के नाम पर मोहर लग सकती है। हिसार से बीजेपी विधायक हैं कमल गुप्ता, जिन पर कल मोहर लग सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा कैबिनेट का विस्तार कल हो सकता है। बता दें आपको, कल विस्तार होगा और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, देवेंद्र बबली जो कि जेजेपी से हैं, उनके नाम पर मुहर लग सकती है। और इसी के साथ ही हिसार से बीजेपी विधायक कमल गुप्ता के नाम पर भी मुहर लगाई जा सकती है। शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हरियाणा कैबिनेट का कल विस्तार होगा, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम सामने आ रहा है, वहीं बीजेपी से कमल गुप्ता के नाम पर मोहर लग सकती है। अब ऐसे में आने वाले कल में पता चलेगा कि किसको किसको हरियाणा कैबिनेट में जगह मिलती है। तो कल हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां राजभवन में इसका शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, वहीं इसी के साथ ही बताते चले कि शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि चंदेल सीधा जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? हरियाणा में कैबिनेट विस्तार होना है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अब उन कयासों पर पूर्ण विराम लग चुका है। अब हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो आगामी 28 दिसंबर 2021 को होने वाला है। और मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से चर्चाएं जो है, जो खबरें जो है वो गठबंधन की सरकार से बाहर निकलकर सामने आ रही है, उनमें 3 नाम अब जो है वो जुड़ चुके हैं। इनमें सबसे पहला नाम जो है वो हिसार से विधायक कमल गुप्ता, और उसके बाद जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली जो सोहाना से विधायक है, और उसके बाद एक और नाम जो भारतीय जनता पार्टी से निकलकर सामने आ रहा है, वो है पलवल से विधायक दीपक मंगला का। तो कयास से लगाया जा रहा है कि इन तीनों में से किन्हीं 2 नामों पर जो है वो मुहर लग सकती है। और मौजूदा समय की अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से विधायक देवेंद्र बबली के नाम पर मुहर जो है वो लगाई जा सकती है, तो वहीं कमल गुप्ता और दीपक मंगला के नामों पर जो है वो विचार विमर्श किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इनके अलावा किसी के नाम पर अगर सोचा विचारा जा रहा है, क्या किसी और का भी नाम निकल कर आ रहा है? जी स्मिता, आपको बताना चाहूँ कि फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है कि लगातार जो है वो कयास पर कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो खबरें जो है गठबंधन की सरकार से जो निकलकर सामने आ रही हैं, इनके खेमे से जो निकलकर सामने आ रही हैं, बता दूं कि बीजेपी के खेमे से 2 नाम निकलकर सामने आए हैं, जिनमें कमल गुप्ता हैं हिसार से बीजेपी विधायक, और दूसरी ओर पलवल से बीजेपी विधायक दीपक मंगला जो है उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि पलवल से दीपक मंगला ने जो है वो
करण दलाल को जो है वो भारी मतों यानी कि लगभग 50,000 मतों से हराया था, और इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक सचिव रह चुके हैं। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों में से किसी एक नाम पर जो है वो मुहर लगाई जा सकती है। बिल्कुल, लंबे समय से गहमागहमी बनी हुई थी, आखिर 28 तारीख क्यों चुना गया हरियाणा के कैबिनेट विस्तार के लिए? जी, आपको बताना चाहूँ कि 2019 से लेकर अब तक का जो समय रहा है लगातार कयासों का समय रहा है। जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें हो, मीडिया में भी बहुत तरीके की बयानबाजी रही, जिस तरीके से सरकार बनने के बाद, गठबंधन की सरकार बनने के बाद कहा गया कि आगामी यानी कि दिवाली के बाद जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस हुआ, उस मौके पर भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसके बाद जो है वो विस्तार किया जा सकता है, लेकिन उससे वैसा भी नहीं हुआ। उसके बाद अब जब शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है उसके बाद अब जो ये सामने आई है खबर कि आगामी 28 दिसंबर 2021 को जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिस तरीके से आगामी वर्ष की शुरुआत जो है एक नए मंत्रिमंडल के साथ जो है वो की जाएगी, ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर प्रभावशाली तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये अभी तक की फिलहाल की जो स्थिति है कि जो चर्चाएं जो खबरें निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, तो बीजेपी की खेमे की तरफ से दो नाम है जिनमें अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा था, टलता चला जा रहा था, बार बार बाधाएं आती चली जा रही थी, कहीं इसकी बाधाएं कृषि किसान आंदोलन के चलते तो नहीं अटक पड़ा था, और जो लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है उसके असर के चलते तो नहीं हरियाणा में कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा था? जी बिल्कुल, काफी लंबे समय से जिस तरीके से लगभग एक साल से अधिक समय से जो है किसान आंदोलन रखे और लगातार जो है किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर्स की सीमाओं पर धरना दे रहे थे, तो सरकार का जो ध्यान था वो पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पा रहा था। लगातार जो है वो किसानों के मुद्दे पर सरकार जो है वो घिरी हुई थी, लगातार सरकार जो है किसान जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, जगह जगह पर किसानों द्वारा बीजेपी विधायकों को जो है वो घेराव किया जा रहा था, काले झंडे दिखाए जा रहे थे। उसके बाद अब जब जाकर ये किसान आंदोलन जो है वो समाप्त हो चुका है, तो उसके बाद अब जो है सरकार इन नई परियोजनाओं की तरफ देखना शुरू किया है, और उसके बाद अब जो योजनाएं हैं सरकार की उनको धरातल पर प्रभावशाली तरीके से इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश की जाएगी, जिसके मद्देनजर अब मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो किया जा रहा है, ताकि आगामी वर्ष से जो है जो सरकार की योजना है, जिस तरीके से अंत्योदय योजना अगला जो वर्ष है अंत्योदय उत्थान वर्ष के नाम से जाना जाएगा, उसको बाकायदा मनोहर लाल खट्टर ने बिल्कुल नाम दिया। जिस तरह से आप बता रहे कि अब लंबे समय बाद हरियाणा में कैबिनेट विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल का गठन होगा, नए मंत्रिमंडल आएंगे, और ये उद्देश्य यही है कि जो वहां के लोग हैं, जनता है, उन्हें पूरी उनकी योजना का लाभ मिल सके, ऐसे में मुख्य तौर पर क्या कुछ योजना लेकर आई है सरकार हरियाणा वासियों के लिए? जी, आपको बताना चाहूं कि हाल ही में सुशासन दिवस के उपलक्ष पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आगामी वर्ष को जो है वो अंत्योदय उत्थान वर्ष के नाम से जो है वो इसके ऊपर जो है कहा गया था कि इसको अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में जो मनाया जाए, इसको लेकर जितनी भी सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर जो है वो प्रभावशाली तरीके से लागू किया जाए, ताकि हर प्रदेशवासी को जो है वो इसका पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। तो उसके मद्देनजर जो है अब विभागों का आवंटन किया जाएगा, जिसके ऊपर जो है अब दो विधायक जो है एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक, दूसरी और जननायक जनता पार्टी के विधायक जो है वो उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो उसको लेकर ये कार्यक्रम जो है वो सारे प्रयास जो है वो गठबंधन की सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। बिल्कुल रवि, दो विधायक का नाम आप बार बार बता रहे हैं, ऐसे में उन्हें कौन सा विभाग दिया जा सकता है, इस पर बड़ा सवाल बनता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बहुत सारे मंत्रियों के पास जो है एडिशनल विभाग जो है उनके पास हैं, लेकिन ये कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सबसे पहले तो जिस तरीके से बीजेपी के खेमे से दो विधायकों के नाम सामने आए हैं, सबसे पहले कमल गुप्ता की बात करें, उसके बाद दीपक मंगला की बात करें, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों नामों में से किस एक नाम पर जो है वो मुहर लगती है। तो दूसरी वो जननायक जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से देवेंद्र बबली का नाम जो है वो सामने आ रहा है, तो उसके बाद जो है ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार जो है वो इन दो विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करके कौन कौन से विभाग जो है वो सौंपती है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि। तो अब हरियाणा में कैबिनेट विस्तार कल होगा, और इसको लेकर अब तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है। बताते चले कि कल शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, और इसका उद्देश्य यही है कि जिस तरह से नए मंत्री आएंगे, विभाग आवंटित किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां चंडीगढ़ से, बड़ी जानकारी कल हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर
कल होगा हरियाणा कैबिनेट का विस्तार, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और वहीं जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम सामने आ रहा है। बताते चले कमल गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है, दीपक मंगला को भी मिल सकती है जगह। पलवल से विधायक दीपक मंगला है जिन्हें जगह मिल सकती है और इसी के साथ ही बीजेपी विधायक कमल गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, ऐसे में तैयारियां जोरों पर है। मंगलवार को कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 4 बजे होगा। कई नाम निकल कर आ रहे हैं, बताते चले दीपक मंगला का नाम सामने आ रहा है जो कि पलवल से विधायक हैं और इसी के साथ ही कमल गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है जो कि हिसार से विधायक हैं बीजेपी के। और इसी के साथ आपको बताते चले देवेंद्र बबली जो कि जेजेपी से हैं उनके भी नाम पर मोहर लग सकती है। बताते चले कि जो असंतुष्ट वर्ग हैं उनको साधने के लिए फैसला लिया गया है ऐसा माना जा रहा है। तो बताते चले कि दीपक मंगला का नाम सामने आ रहा है जो कि पलवल से विधायक हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अब कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है। कल शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार होगा, मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा और बताते चले कि राजभवन में ये समारोह होगा। ऐसे में अब कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, पलवल से विधायक दीपक मंगला का नाम सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं अब 3 नाम जो मुख्य तौर पर बढ़ते सामने आ रहे हैं उसमें से एक दीपक मंगला का नाम है जो कि पलवल से विधायक है। वहीं जेजेपी से देवेंद्र बबली का भी नाम सामने आ रहा है और बीजेपी से कमल गुप्ता के नाम पर मुहर लग सकती है। ये 3 नाम मुख्य तौर पर सामने आ रहे हैं, चर्चा पे हैं। ऐसे में अब कल पता चलेगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद किसको कौन सा विभाग आवंटित किया जाता है। पता तो चले कि पलवल से विधायक दीपक मंगला का नाम मुख्य तौर पर अब सामने आ रहा है। और बता दें आपको कि इससे पहले जहां 14 नवंबर को कैबिनेट का विस्तार होना था हुआ था, ऐसे में अब कल कैबिनेट का विस्तार होगा। ये हरियाणा सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार है और जहां कई नाम पर चर्चा हो रही है जिसमें एक देवेंद्र सिंह बबली का नाम है, वहीं बताते चले दीपक मंगला का नाम दूसरा सामने आ रहा है जो कि हिसार से विधायक हैं। और इन्हीं के साथ ही कमल गुप्ता जो कि माफ कीजिएगा दीपक मंगला जो कि पलवल से विधायक हैं उनका नाम सामने आ रहा है और हिसार से कमल गुप्ता का नाम सामने आ रहा है जो कि बीजेपी से हैं। ऐसे में अब इन नामों पर मोहर लग सकती है, कहीं ना कहीं इन नामों पर चर्चा तेज है, कैबिनेट में इनको हिस्सेदारी दी जा सकती है। वहीं बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर कल हरियाणा का कैबिनेट विस्तार होगा, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा और इसी के साथ ही शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, शपथ ली जाएगी, देवेंद्र सिंह बबली का नाम सामने आ रहा है और इसी के साथ ही दीपक मंगला का नाम भी मुख्य तौर पर सामने आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं जहां करनाल के तरावड़ी में सीएम मनोहर लाल ने इंटीग्रेटेड पैक हाउस और फसल समूह केंद्र की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम में उन्होंने बागवानी फसल मत्स्य पालन के प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य किसानों की आय को डबल करना है जिसके लिए प्रदेश अपने स्तर पर अनेक तरह की योजनाएं भी चला रही है। सीएम ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने भी किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई है, तो वहीं सीएम ने किसान नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वो शुरू से ही कह रहे थे कि किसानों का आंदोलन सिर्फ राजनीति के लिए ही था। सीएम ने वैक्सीनेशन को लेकर कहा है कि प्रदेश में भी 15 से 18 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन होगा। उसी के अंतर्गत आज ये जो हम देख रहे हैं कि एक पैक हाउस, कम कोल्ड स्टोरेज और कम प्रोसेसिंग सेंटर
ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है, 4 करोड़ के आसपास इसमें सब्सिडी है, बाकी पैसा जो है ये यहाँ जो FPO बना है 170 किसानों का ये FPO है, इस FPO के सब किसानों को इसका लाभ होगा, अपनी सब्जियां अपने फल यहाँ रख सकेंगे और समय पर जब अच्छी कीमत बाज़ार में मिलती है तब उसको बेच सकेंगे, उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, उसकी पैकिंग भी कर सकते हैं ताकि उसको मार्केट में चाहे देश की मार्केट हो चाहे विदेश की मार्केट उसमें बेचा जा सके। ऐसा ये 7वां पैक हाउस आज जो है ये बनाया जा रहा है, हमारा टारगेट है 50 इस प्रकार के पैक हाउस बनाने की ताकि किसानों की एक प्रकार से जो छोटी जोत का किसान है उसकी आय बढ़ सके। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये जो बढ़ता हुआ कोविड का प्रकोप तीसरी लहर का जो शुरू हो गया है इस समय पर उन्होंने इस बात की चिंता की है कि जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन का इंजेक्शन 3 तारीख से वो शुरू हो जाएगा और जितने भी हमारे 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के ऐसे हरियाणा के हमारे जो बालक होंगे छात्र छात्राएं होंगी इनकी संख्या लगभग 12 से 14 लाख होगी प्रदेश में, इनको बहुत जल्दी कोविड का पहला टीका लग जाएगा। और जहां तक 2 टीके की बात है उसमें भी सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज तो हमारी 95% से ऊपर हो गई है, सेकेंड डोज भी लगभग 65% हो गई है और हमने इसके लिए सख्ती करने के लिए कहा है कि 1 जनवरी के बाद सार्वजनिक स्थानों के ऊपर ये जो 2 इंजेक्शन वाले लोग ही एंटर कर पाएंगे, अन्यथा वहीं व्यवस्था रखेंगे जिसका सेकंड डोज ड्यू है उसको सेकंड डोज भी वहीं लगवाया जाए। हमने पहले ही शंकाएं व्यक्त की थी कि इस आंदोलन के पीछे उनका एक मोटिव है और वो मोटिव पॉलिटिकल मोटिव है, हालांकि इस प्रकार के सामाजिक आंदोलन वो पॉलिटिकल मोटिव करके अगर करें तो शायद उनका लाभ समाज को ज़्यादा होता है, लेकिन इस प्रकार का जब पॉलिटिकल मोटिव रख के वो चले हैं तो किसान को भी समझ में आ गया कि ये उनकी जो लीडरशिप थी ये राजनीतिक महत्वाकांक्षी वाली योजना थी, उन्होंने अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए आगे किया है, लोकतंत्र है चुनाव कोई भी लड़े उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम आंदोलन की राह पकड़ करके और किसानों के आंदोलन की राह पकड़ के वो इस प्रकार का उन्होंने किया, इसको किसान पसंद नहीं करेगा ऐसा मुझे लगता है। चंडीगढ़ और अब बात करेंगे चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की, जिसके नतीजे अब सामने आ गए हैं, जिसमें 35 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 14 सीटें जीती है, वहीं सेक्टर में प्रतिभा ने जीत हासिल की है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि इस जीत के श्रेय लोगों को जाता है और आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत की है। चलिए ये थी वार्ड 20 से प्रतिभा मेहता, आपने देखिए 4000 से ज्यादा मतों से ये। करनाल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मधुबन में नारकोटिक्स सेल के कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों समेत कई लोगों पर निशाना साधा और कहा है कि दिग्विजय सिंह की समझ में कुछ कमी है, शायद वो पढ़ने के समय में पढ़ नहीं पाए और इसलिए वो समय समय पर अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं, इसलिए उनकी बातचीत का जवाब देना उचित नहीं है। साथ ही अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कलाकार बताया है। हरियाणा में नशाखोरी को पूर्णतः समाप्त करने के लिए पिछले साल हमने नारकोटिक ब्यूरो का गठन किया था, आज उसके कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां से सारे हरियाणा में इसकी गतिविधियां चलाई जाएंगी और नशाखोरी में संलिप्त लोगों का सारा डाटा तैयार किया जाएगा ताकि उन पर उनकी गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रख।
134 ए पर विवाद गहराता जा रहा है और इसी कड़ी में अंबाला की चंदरपुरी कॉलोनी की निवासी स्नेहा गुप्ता ने बताया है कि उनकी बेटी ने 134 ए अंतर्गत एग्जाम दिया है और उसे लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल अलाउट हो गया है, लेकिन उसे अभी तक एडमिशन नहीं मिला और जिस वजह से उनकी बेटी काफी हताश हो रही है। उन्होंने बताया है कि वो डीईओ ऑफिस और डीसी ऑफिस सब जगह चक्कर काट रहे हैं, डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है लेकिन उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, ना ही उन्हें कुछ बताया जा रहा है। मेरे बेटी का फॉर्म 134A के अंडर अभी एग्जाम दिया है, उसका स्कूल अलॉट हो गया है लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल, लेकिन उसको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है। वो हरास हो रही है, कभी इधर कभी उधर हम सारे में घूम चुके हैं, हम बीओ ऑफिस में डेली चक्कर काट रहे हैं, हम डीओ सर के पास मिलाए हैं, हम डीसी सर के पास मिलाए हैं, डेट एक्सटेंड हो गई है लेकिन हमारे बच्चों को अभी तक कोई एडमिशन नहीं मिला और हमें आगे के बारे में कोई ये नहीं बताया जा रहा है कि कब होगा। बीओ मैम ने बोला था कि वो खुद जाकर हमारे एडमिशन कराएंगी अगर नहीं होते हैं, पर अभी तक उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स। और अब खबर पानीपत से है जहां पानीपत नामी मनोज बाबा गैंग का एक बार फिर से सुर्खियों में है। बताते चले कि यह गैंग काफी सालों पहले बहुत ज्यादा सक्रिय था, वहीं एक बार फिर से इस गैंग ने यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले गैंगस्टर्स और यूपी के भ्रष्ट पुलिस अफसरों के साथ मिलकर पानीपत में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। शाहनवाज नामक व्यक्ति ने बताया है कि अगर पानीपत के एसपी सख्त और प्रभावी कदम नहीं उठाते हैं तो शायद आज वो जिंदा ना होता। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट शाहनवाज के बस कर्मियों से ये गैंगस्टर गैंग 2 साल से गन पॉइंट पर मारपीट कर अवैध वसूली और लूटपाट कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने सीएम मनोहर लाल से निवेदन किया है कि उनकी जान माल की रक्षा की जाए और इसी के साथ ही गैंगस्टर के बढ़ते हुए प्रकोप से हरियाणा को बचाया जा सके। बस के साथ कुछ गुंडों ने रोज मारपीट व पैसों की छीना झपटी कर रखी थी। इस सिलसिले में मैंने एसपी साहब को इसकी शिकायत की थी, इसमें कार्रवाई भी है। कार्रवाई के बाद मेरे पास इंस्पेक्टर साहब का फोन आता है यूपी उत्तर प्रदेश से, अमित कुमार से, कि इनको वापस ले लो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमे लिखवा दूंगा, तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। सर मुझे भय है, मुझे डर लगा हुआ है, मेरे परिवार को कुछ भी हमारे साथ घटना हो सकती है। और अब बात करेंगे यमुनानगर जिले की, जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है क्योंकि पहाड़ी इलाकों के बाद यमुना सबसे पहले यमुनानगर जिले में मैदानी इलाकों में उतरती है और यही सबसे ज्यादा तबाही होती है। यमुना के आसपास कई इलाके हैं जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। यमुना के साथ साथ यमुनानगर में सोन नदी और पथराला नदी से भी भारी नुकसान होता है। बाढ़ से कम हो इसके लिए सिंचाई विभाग हर साल करोड़ों रूपये की लागत से बाढ़ रोकथाम कार्य करवाता है। आने वाले सीजन से पहले यमुनानगर जिले 26 करोड़ की लागत से 23 कार्य होने हैं। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ इन सभी इलाकों का दौरा किया है। इसी के साथ ही यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया है कि ड्रोन की सहायता से भी इन इलाकों में क्या क्या कार्य होना चाहिए इस पर और पिछले साल कहां तबाही हुई थी इसकी जानकारी ली गई है और इसी के हिसाब से प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। यमुना नदी में जब भी ऐसी अगर कोई संभावना बनती है तो सबसे पहले हमारा जिला जो है हरियाणा में इफेक्ट होता है, तो उसी के संदर्भ में जो है आज बाढ़ निरीक्षण का जो है दौरा किया गया। इसमें जो अगले मानसून सीजन से पहले बाढ़ प्रिपरेशन की, अगर बाढ़ की तैयारी को लेकर बात करें तो उसमें जो नए काम होने हैं करीबन 23 काम जो है हमारे एजेंडा में हमारे जिले से जाने, और ये टोटल जो है 26.5 करोड़ के जो है राशि के ये काम है, तो इनका जो है दौरा किया गया। जहां जहां पिछले सीजन में लोगों की शिकायतें आई थी, जल भराव की समस्या हुई थी, वहां मौके पर जाके देखा गया, वहां जो चाहे वो डेरा था, गांव था, लोगों से बात करी गई और अकॉर्डिंगली चाहे जहां जैसी रिक्वायरमेंट थी, चाहे स्टोन पिचिंग की थी, स्टड लगाने की बात थी या कुछ और एक थोड़ा छोटा सा डाइवर्जन बनाने की बात थी, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है 23 प्रोजेक्ट्स ये लिए गए हैं हमारे।
और कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के संक्रमित की संख्या बार बार बढ़ती चली जा रही है और बताते चले कि यमुनानगर में भी अब 3 मामले सामने आए हैं। सोमवार को चंडीगढ़ में दो नए मामले सामने आए और गुरुग्राम में एक नया मामला सामने आने के बाद यमुनानगर में भी 3 ओमिक्रोन के मामलों की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग एक ही परिवार के हैं। तीनों लोग पिछले दिनों नीदरलैंड से सामने आए थे और यमुनानगर में आने पर इनका कोरोना टेस्ट किया गया जिसके रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इनका सैंपल लेकर दिल्ली भेजा गया है जहां रिपोर्ट आने पर तीनों में ओमिक्रोन के लक्षण पाए गए। बताते चले कि तीनों को स्वास्थ्य विभाग ने अपनी निगरानी में रखा है और यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया है कि तीनों की रिपोर्ट ओमिक्रोन पॉजिटिव आई है। उन्हें आइसोलेट किया गया है। 14 दिन के बाद फिर से इनकी जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि इनके संपर्क में आए 20 और लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं। यमुनानगर जिले में 26 तारीख को 3 पॉजिटिव केसेस ओमिक्रॉन के कंफर्म किए गए हैं। ये लोग जो थे यूरोप से इनकी अराइवल हुई है और एयरपोर्ट पे इनके सैंपल जो है टेस्ट करके भेजे गए थे। जैसे ही इनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई उसके बाद इनके ओमिक्रॉन के सैंपल जो दिल्ली टेस्ट करने भेजे गए और 26 तारीख को इनकी जो है रिपोर्ट दिल्ली से आई है जो पॉजिटिव आई है। इन लोगों को जो है जो पेशेंट्स हैं इनको आइसोलेट किया गया है फैसिलिटी में कोविड वार्ड के अंदर। और इसी खबर पर यमुनानगर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, 3 नए मामले सामने आए हैं ओमिक्रॉन पॉजिटिव के। बिल्कुल, 3 मामले सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग में अभी काफी तैयारियां जो चल रही थी वो उसमें इजाफा करने की बात कही जा रही है क्योंकि 3 मामले हैं, इनसे जुड़े और भी मामले हो सकते हैं। अभी इनसे 20 से 25 लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए थे, इनके संपर्क में आए थे, उन सभी के भी सैंपल लिए गए हैं। अगर उनमें से कुछ और लोग पॉजिटिव आते हैं तो ये काफी दिक्कत वाला हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग के लिए। अभी अगर तैयारियों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने या ईएसआई अस्पताल ने कोविड वार्ड बनाया है। ईएसआई अस्पताल को खाली करवाया गया है, वहाँ स्पेशल कोविड वार्ड में ही इनको रखा गया है ताकि आगे ना फैले। जी बिल्कुल, लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि मामलों को रोका जा सके और ऐसे में हर खबर हरियाणा भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क का प्रयोग जरूर करें और इसी के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि ओमिक्रॉन से बचा जा सके। और इसी के साथ ही कालका से समालखा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।